देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच प्रमुख दलों की ओर से घोषणा पत्र जारी करने का सिलसिला भी जारी हो गया है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी रविवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा, पार्टी नेता आनंद शर्मा और अजय माकन ने दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। आपने देखा कांग्रेस वाली दिल्ली, ये हमारा जो संकल्प जो आज हमने लाए, उसमें जो हम लोगों का विजन है कि हमारी सोच क्या है दिल्ली के बारे में, आज मैनिफेस्टो में भी है कि ये हम दिल्ली के लिए करने जा रहे हैं। इस मैनिफेस्टो में न्याय योजना की बात कही गई है। बुजुर्गों के लिए फ्री बस सेवा, लड़कियों के लिए पीएचडी तक फ्री शिक्षा, 5 एम्स जैसे अस्पताल का वादा, साफ दिल्ली के लिए 20% बजट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, 100 इंदिरा कैंटीन खोलने का वादा, CAA को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का वादा, झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करने का वादा किया गया है। 8 फरवरी को दिल्ली में वोटिंग होनी है, उससे पहले सियासी संग्राम जोरों पर है। राजनीतिक पार्टियां दिल्ली के सियासी जंग को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। अब 11 फरवरी को ही पता चलेगा कि दिल्ली के दिल में राज कौन करता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।